आज मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाले पाव। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैंने इनके लिए आलू, शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज, ये चीज़ें ली है मैंने। जितने मेंबर हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और मैंने इनको सबको बारीक कट कर लिया है। आलू को मैंने पानी में डाल के रखा है बारीक कट के, ताकि ये काले नहीं पड़े। और मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी, गैस ऑन करके उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। और ये बारीक कटी हुई मैंने प्याज डाल दी पहले। तो हमको इनको, प्याज को और इनको सब सब्जी को एक साथ ही डालना था, लेकिन मैंने अलग अलग कट किया है इसलिए अलग अलग डाल रही हूँ। तो प्याज डालते ही साथ में ही हम आलू भी डाल देंगे। और मैंने शिमला मिर्च और टमाटर भी डाल दिया था, वो क्लिप छूट गया मेरे से। और स्वाद अनुसार मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है। हल्दी डाल के नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और ये देखिए मैंने मिक्स करके उसको, अभी मिक्स करके हम थोड़ी देर उसको ढक के रखेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज और टमाटर पानी छोड़ते हैं तो अपने आप पक जाते हैं और जल्दी ही पक जाएंगे। तो ये देखिए मैंने 2-3 मिनट हुए इनको। आप थाली के ऊपर भी पानी रख सकते हैं, ताकि वो अगर कभी सब्जी जलने का डर है। तो मैंने नॉन स्टिक नहीं लिया है, कढ़ाई ली है। तो इसके लिए अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक थोड़ी दरदरी की हुई लाल मिर्च। और अब इसमें मैं डालूंगी आधी चम्मच गरम मसाला। आप गरम मसाले की जगह पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इनका बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसीलिए मैं इनको मसाला पाव बोल रही हूँ, नाम दे रही हूँ। आप क्या नाम देंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये हमारा मसाला बन के रेडी है। अभी इसको 1 मिनट हम ऐसे ही ढक के कुक करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, क्योंकि मिर्ची और गरम मसाला भी पकने में थोड़ा हमको टाइम चाहिए ना। तो ये हो चुका है। और फ्रेंड्स, आपको मैं याद दिला दूं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में बताइए। अभी मैंने इसमें हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और एक बाउल में मैंने इसको निकाल दिया है। मैंने 4 पाव लिए थे और इनको मैंने बीच में से कट कर दिया है। और इनमें मैं लगा रही हूँ घी। आप चाहें तो इधर बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर घी का ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं घी लगा रही हूँ। चारों में मैंने लगा दिया है घी। अभी मैं इसमें जो मसाला हमने बनाया था ना, वो मसाला मैं भर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इनमें सब में ऐसे ही मसाला हमको भर देना है चारों में। तो मैंने भर दिया इनमें मसाला और ये रेडी हो चुके हैं बन के। अभी अभी 2 में मैं चीज़ डालूंगी, क्योंकि मेरे बेटे को चीज़ अच्छी लगती है, तो वो बोला कि मम्मी मुझे चीज़ वाला चाहिए। तो मैं 2 में चीज़ डाल रही हूँ और 2 ऐसे ही मसाले वाले ही रख रही हूँ सिर्फ। तो ये चारों को मैंने कर दिया है अच्छे से मसाला भर के। जितना चाहे इतना आप मसाला भर सकते हैं, जैसा आपको खाना हो वैसा। ये सेकेंड ब्रेड में, पाव में भी मैंने ये चीज़ भर दिया है। और अभी मैंने एक डोसा तवा लिया है, उसको गैस पे रखा है मैंने। और अभी मैं इसमें घी ही डालूंगी, मैं बटर नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप बटर यूज़ कर सकते हैं आपको अगर अच्छा लगता है तो। और ये मैंने उस पर घी फैला दिया है। अभी एक एक पाव को हम इस पे रखेंगे और ऊपर की दोनों परत सिक जाए ऐसा हमको इसको सेकना है चारों को, थोड़ा प्रेस कर करके। और ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगा देना है। फिर जब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, तब भी हमको इनके ऊपर घी लगा देना है। ये देखिए एक साइड इनका नीचे का पक चुका है, अच्छे से कुक हो गया है। और अभी ये मैं ऊपर भी घी लगा रही हूँ इनके, और ऐसे ही लगा के इनको वो साइड भी हम लोगों को सेक लेना है। ये हो चुके हैं अभी हमारे पाव, और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। मैंने इनको मसाला पाव का नाम दिया है। आप क्या नाम देंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और फटाफट बनने वाला नाश्ता है। कभी भी भूख लगती है तो फटाफट बन जाए ऐसा नाश्ता है ये। और थोड़े से सामान में बना है, कुछ ज़्यादा हमको सामान नहीं लगा इसमें।
थैंक यू।